नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम लाइफ। तो आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में घंटी को जरूर दबा देना। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप ड्राइविंग फास्ट ड्राइविंग करते हो तो आपको कैसे करनी चाहिए। कुछ 5 FC टिप्स आपको दूंगा, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। पहली जो टिप्स है वो है हाई म्यूजिक, एंड जो है आपका जब भी आप ड्राइविंग करते हैं तो अगर आपकी जो भी म्यूजिक लगा रखा है गाड़ी के अंदर, अगर वो हाई उसकी आवाज़ है तो वो जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है दुर्घटना की या फिर कहीं आपको ध्यान क्या है कि पूरा ध्यान आपका म्यूजिक पर हो जाता है और उससे आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली बात तो यह है कि कभी भी आपकी गाड़ी का म्यूजिक जो है, स्पीड अगर गाड़ी की है तो म्यूजिक आपको फुल नहीं रखना है। सेकेंड है स्टेयरिंग एंड ब्रेक। एकदम से जब टर्न करते हैं, मान लीजिए आपने स्टेयरिंग और आपका जो ब्रेक है, जब आप टर्न करते हैं, मान लीजिए गाड़ी को घुमाते हैं, तो एकदम से इनको जो है नहीं दबाना है, ना ही स्टेयरिंग को एकदम से काटना है और ना ही ब्रेक को एकदम से दबाना है। जब आपकी स्पीड ज़्यादा हो तो इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। थर्ड बात है यहाँ पर हैंड ब्रेक दबाना, कि आपकी जब स्पीड ज़्यादा हो तो हैंड ब्रेक को एकदम से नहीं दबाना है। हाँ, ज़्यादा ही कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो धीरे धीरे दबाकर कुछ आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक है आपको नहीं दबाना चाहिए। और यहाँ पे एक बात, स्पीड में क्या होता है कि अक्सर जो न्यू ड्राइवर कार के मान लीजिए या फिर ट्रक के मान लीजिए कि स्पीड के अंदर टर्न करने की सोचते हैं कि मैं ये कर दूंगा टर्न, मतलब कि एक एक्शन वाला सीन दिखाते हैं जो फिल्मों में एक्शन होता है, लेकिन देखिए ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ में और एक मूवी के अंदर बहुत कुछ चेंजिंग होते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें ये। और एक बात होती है सबसे मेन जो बात है, मेन जो टॉपिक है मेरे कहने का, कि जब भी आप हाई स्पीड में गाड़ी को चलाते हैं तो सीट जो आपकी होती है वो बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए कि हाँ मुझे ऐसा नहीं है कि आगे की तरफ सीट जा रही है, पीछे की तरफ सीट जा रही है, एक तरीके से एग्जैक्ट होनी चाहिए, फिक्स सीट होनी चाहिए। क्योंकि जब स्पीड के अंदर गाड़ी होती है तो उसमें ब्रेक भी लगाने पड़ते हैं, बहुत कुछ आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, सीट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। क्योंकि एयरबैग वगैरह जो होते हैं, वायदे कुछ हो जाते हैं तो एयरबैग उसके खुलते हैं और बहुत कुछ आपको उनमें सीखने को मिलता है और देखने के लिए मिलता है, बचाव उसका उसमें आपका बहुत हो जाता है। तो ये कुछ 5 टिप्स है मेरी रियल लाइफ की। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब।